गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि बहुत सारी जो चीजें हैं अब क्लियर होती जा रही हैं कि अब कब क्या होगा, अगले हफ्ते में क्या होगा, अगले दो हफ्ते में क्या होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होती जा रही हैं। जब एस सर अपनी तरफ से सारी तैयारियां पूरी करते हुए चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी अपनी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखें और उन सारी चीजों को कंप्लीट करना जो है शुरू कर दें, जो शायद आपकी कोई भी अगर एक भी चीज इनकम्प्लीट रह गई है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आज मैं इस वीडियो के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, जो कि आपको उन सारी चीजों को फिर से एक बार रिकैप कर लेना है, एक बार फिर से रीचेक कर लेना है। अगर आप रीचेक कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप पूरी तरीके से श्योर हो जाएंगे कि हाँ, अब मैं पूरी तरीके से रेडी हूं। अगर कोई भी एक्टिविटी करने के लिए आती है या कोई भी फॉर्म भरने के लिए आता है या कोई भी काम करने के लिए आता है तो हम उसके लिए पहले से प्रिपेयर होंगे ही होंगे। सो आई होप आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क फॉर ऑल फाउंडिंग मेंबर्स, जितने भी हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं सभी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टास्क हैं जो कि मैं अब आपको बताने वाला हूं। क्योंकि दो हफ्ते के अंदर जो प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस कहां तक जाएगी और किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हम सब लोगों को काम मिलने वाला है और स्टेप बाय स्टेप कुछ रूल्स आने वाले हैं, उनको हमें फॉलो भी करना है। सो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आपको अपने बारे में चेक कर लेनी है अपने ओईएस के अंदर और अपने बैक ऑफिस के अंदर। सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है दोस्तों, मेरा नाम है मनन सिंह गोला और आप जुड़े हुए मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से और आप देख रहे हैं मेरा MSG ऑल इन वन। पहली बार मेरे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपनी प्रोफाइल को अच्छी तरीके से चेक कर लेना है क्योंकि उस प्रोफाइल में कोई मिस्टेक नहीं हो। आपकी जो प्रोफाइल है उसमें जो नाम की स्पेलिंग्स वगैरह है, मोबाइल नंबर वगैरह है, ईमेल आईडी है, वो सब कुछ आप अच्छी तरीके से चेक कर लेना। अपने डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका नाम की स्पेलिंग वगैरह होनी चाहिए। दूसरी चीज, आपका जो आईडी पासवर्ड है बैक ऑफिस का हो चाहे वो आपका ओईएस का हो, आपको अच्छी तरीके से उसको अपने पास मैनेज करके रखना है और समय समय पे उसको आप बदलते भी रहें ताकि कोई भी हैकिंग की या कोई भी किसी टाइप की कोई भी गुंजाइश ना रहे कि कोई भी प्रोडक्ट कोई भी दूसरा व्यक्ति आपके ओईएस के अंदर या आपके बैक ऑफिस के अंदर जो है छेड़छाड़ कर सके। तीसरा जो पॉइंट है वो है एनडीए सिग्नेचर। एनडीए सिग्नेचर आपने किया है नहीं किया, अभी आपके बहुत सारे ऐसे लोग होंगे इस फाउंडिंग मेंबर्स के अंदर, बहुत सारे लोग हैं जिनका अभी तक एनडीए सिग्नेचर ही नहीं हुआ है, जिन्होंने अभी तक बैक ऑफिस के अंदर एंटर ही नहीं किया है। तो आपको सोचिए, जिन्होंने अभी बैक ऑफिस के अंदर एंटर नहीं किया है तो उनका ओईएस भी नहीं बना होगा और जब उनका ओईएस ही नहीं बना होगा तो यहां पर आपको जो रिफंड आने वाला है $97 या हमारे जो पैकेज आने वाले हैं वो कनेक्ट खरीदने वाले हैं, पेमेंट गेटवे के द्वारा हम अपना बिजनेस करने वाले हैं, ये सब कहां से एक्टिव होगा। सो यहां पे एनडीए सिग्नेचर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आपको चेक कर लेना है। इसके बाद नंबर फोर है, यदि कुछ आपको ऐसा लगता है कि मुझे अपने नाम के अंदर या अपने मोबाइल फोन के अंदर जो वहां पे चेंज करने के लिए या फिर एडिट करने का जो भी वहां पे फैसिलिटी है, अगर आपको चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। अगर आपको सही लगता है कि हाँ सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ मुझे कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है, तो फिर डजेंट मैटर, आप आगे बढ़ जाइए। नंबर नेक्स्ट, अपनी टीम लिस्ट को जरूर चेक कर लें। जी हाँ, अपनी टीम को जरूर चेक कर लें। अपनी टीम लिस्ट में जो भी लोग हैं उनके ओमेल अच्छे तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं, सही तरीके से बने हैं या नहीं बने हैं, उन्होंने एनडीए सिग्नेचर कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं, जो लोग ओईएस के अंदर ट्रांसफर हो चुके हैं और अगर उनका ओमेल बन चुका है, ओईएस बन चुका है, तो वो अपने आप को चेक कर लें कहीं उनका ओमेल जो है कस्टमर के कैटेगरी में तो नहीं बन गया है, उनका फाउंडिंग की कैटेगरी में है या नहीं है। अगर वो फाउंडिंग की कैटेगरी में है तो प्रोफाइल में जाकर के उनको चेक करवाएं और खुद चेक करें, वहां पे आपको फाउंडर का लोगो दिखाई देगा। जी हाँ, फाउंडर का लोगो वहां पे दिखाई देगा। अगर वहां पे फाउंडर का लोगो दिखाई नहीं दे रहा है तो आपको प्रोफाइल पे जैसे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको डिलीट ऑप्शन दिखाई देगा, तो आपको दोबारा से बनाने की जरूरत है। तो ये चीज चेक करें और एनडीए सिग्नेचर किस किस ने कर लिए हैं वो भी आप जरूर चेक करें। इसके अलावा जो लोग एक्टिव नहीं है उनको आप हिला हिलाकर जो है एक बार जो है जगा दीजिए, एक बार उनको आप एक्टिव कर दीजिए। जो लोग आपके टीम मेंबर में है, जो टीम की लिस्ट में है, आप अपने ओईएस के अंदर चेक करिए कि आपके टीम लिस्ट में जो है कितने लोग हैं और वहां पे किन किन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। अगर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत पुराने लोग हैं और जो अभी तक एक्टिव नहीं हुए हैं तो आप उनको जो अपनी एक जिम्मेदारी समझ के अपनी उन सारे लोगों को आप एक्टिव करिए, जिससे कि अब जो काम होने वाला है वो कहीं ना कहीं जो है उनको कोई भी परेशानी ना आए, वरना फिर वो आपको ही दोष देंगे, फिर आपको ही वो परेशान करेंगे, आपको ही कॉल करेंगे कि सर हमें पहले से क्यों नहीं बताया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो इन सारी चीजों को आप पहले से ही करके रखें।
इसके अलावा किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनकी हर एक प्रॉब्लम को जो है शॉर्ट आउट जरूर करें। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम हो उनकी हर एक प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करना आपकी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिकॉज अगर हम एक एक व्यक्ति को भी अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि हम उनके सारी चीजों को शॉर्ट आउट कर देते हैं सो बहुत सारे लोग जो आज कुछ भी नहीं जानते हैं तो उनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगी। सो आज एक फाउंडिंग मेंबर होने के नाते हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमारे जो दूसरे फाउंडिंग मेंबर्स हैं आप उनको भी थोड़ा सा जो है मदद करें। अब लास्ट में एक पॉइंट और मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि हमारी वेरिफिकेशन होगी आने वाले टाइम के अंदर और हो सकता है कि इसी महीने के अंदर ये प्रोसेस शुरू हो सकती है, जो भी होगा वो हमें बैक ऑफिस के अंदर पता चल जाएगा। तो इसके लिए हमें हमारे जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं उनको हमें प्रिपेयर करके पहले से रख लेना है, और खासतौर से अगर आपके पास डॉक्यूमेंट सॉफ्ट कॉपी के रूप में रहेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की फोटो खींच के अपने फोन में पहले से ही सेव करके रख लें, या अपने लैपटॉप में पहले से ही सेव करके रख लें, उसकी कटिंग करके रख लें, क्रॉपिंग करके रख लें, जिससे कि जैसे ही हमारी वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस आएगा तो उस समय आपको ज्यादा दिक्कत ना आए सॉफ्ट कॉपी के रूप में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि आपको अब रीचेक करने की बारी आ चुकी है। एक बार फिर से आपको रीचेक कर लेना है जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं, और जो भी आपके टीम मेंबर हैं आपको उनको भी जो है इनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे देनी है। ओके, आई होप ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, एंड उम्मीद करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से जरूर निभाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर सो निट टू विन इट।